सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। जिस कर्म में, जिस धर्म में, जिस कर्म में, जिस धर्म में, जिस मर्म में रहो, राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। जिस कर्ज में, जिस फर्ज में, जिस मर्ज में रहो, जिस भी स्थिति में। यहां एक बहुत प्यारा शब्द लगाया, जिस मर्ज में रहो। यदि कोई बीमारी भी है ना, उसमें भी दवा एक तरफ लेकिन ठाकुर की दुआ एक तरफ। हाँ, और मैं इस मौके पर खास कहना चाहूंगा कि कोरोना के भय से यदि बचना है तो पुकारते रहो हरि नाम। राधा रमन कहो। कोरोना के इस महासंकट में, महामारी के इस काल में, हरि नाम का ही तो एक सहारा है प्यारे। हाँ, कई लोग घर में बैठे बैठे खूब नाम जपें। हाँ, कई लोग मुझे फोन करके बोलते रहते हैं, बापू बहुत नुकसान हुआ, ये 3-4 महीनों में बड़ा लॉस हुआ। तो मैं कहता हूं कि प्यारे, भले ही संसार वाले धन का लॉस हुआ हो, लेकिन ऐसे धन को प्राप्त किया है यहां भक्तों ने, हरि नाम का धन, जिससे और धनवान हो गए हैं भक्त लोग। हाँ, खूब मालिक ने नाम जपने का अवसर दिया। जिस कर्ज में, जिस फर्ज में, जिस कर्ज में, जिस फर्ज में, जिस कर्ज में, जिस फर्ज में, जिस मर्ज में रहो, जिस मर्ज में रहो, राधा रमन कहो।
राधार। तालियां बजाते हुए भाव से गाओ, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो किसी भी स्थिति में रहो, हरिनाम पुकारते रहो, परमात्मा आकर सब काम कर भी देना तब भी हरिनाम पुकारते रहो। अस कही लगे जपन हरिनामा, भोलेनाथ हरिनाम सुमिरन करने लगे, और गई सती जहां प्रभु सुखदामा, सती चली है भगवान की परीक्षा करने के लिए, और भोलेनाथ हरिनाम जप रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आज कथा को यहाँ विराम करें, हम लोग भी हरिनाम सुमिरन करें। 8 बज चुका है, कल 6 बजे फिर मुलाकात होगी, और आज उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आनंद पूर्वक कथा सुने होंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। हाँ, कल तो प्यारे पहला दिन था, ट्रायल था, हाँ, इसलिए मायूस मत होना। और चलो एक खुशखबरी और बता दूँ, जिसका पहला दिन छूट गया ना, उसको एक दिन में एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। 7 दिन की कथा थी, 8 दिन की हो गई। अब तो मुस्कुराओ, अब तो खुश रहो। हाँ, जो लोग कल बड़े मायूस हो रहे थे, बड़े उदास हो रहे थे, उनको एक दिन और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। और मेरे सामने जो जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सबको मेरी व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत सारे लोगों का तो नाम मुझे नहीं पता है, बहुत सारे लोग नए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं हृदय से आपका साधुवाद जरूर करता हूँ। यदि आप कथा में बैठे होते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आप कथा पांडाल में बैठे हो। सभी के चेहरे में देख रहा हूँ कि तो कई लोग तो आँख के पास कैमरा लगाए बैठे हैं, कहीं कैमरे को सामने रखो और ऐसा लगे मुझे कि आप भाव से सुन रहे हैं। और केवल मैं ही आपको नहीं देख रहा हूँ, हाँ, ये मत सोचो कि बापू ही देख रहे हैं, यहाँ जितने सुनने वाले हैं ना, सब एक दूसरे को देख रहे हैं सब। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।